आज हम एक ऐसे एक्टर और इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा अपने वियर्ड फैशन सेंस, कंट्रोवर्शियल एंड बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहती है। जहां लड़कों के बीच में ये अपने फनी और वियर्ड फैशन को लेके पॉपुलर है जो मोस्टली इनके हेटर्स हैं, पर लड़कियों की एक पर्टिकुलर सेक्शन इनके थॉट प्रोसेस एंड स्टेटमेंट के लिए इनको बहुत पसंद करती है। इनका रिलीजन और सोसाइटी को लेके जो नजरिया है, लड़कियां उन बोल्ड डिसीजंस को बहुत पसंद करती हैं। हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि जिस हिसाब से उर्फी के कपड़े और स्टेटमेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव और ओपन माइंडेड होंगे, पर इसके जस्ट ऑपोजिट उर्फी का एक बहुत ही सैड पास्ट है जहां इनके साथ बचपन में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो शुरू से शुरू करते हैं। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। शुरू से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी माँ जब 25 साल की थी तब इनके टोटल 4 बच्चे थे, जिनमें उर्फी सबसे बड़ी बच्ची थी। और इससे भी ज्यादा खराब चीज ये थी कि उर्फी के पिता उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें बचपन में बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था। उर्फी का बचपन से सपना था कि वो एक एक्टर बने, पर उर्फी की फैमिली बहुत ही क्लोज और कंजर्वेटिव फैमिली थी और बचपन से उन्हें बांध के रखा जाता था। पर इसके ऑपोजिट उर्फी बहुत ही रिबेलियस और डिफरेंटेड थी। बचपन से ही अपने पिता की पिटाई की वजह से कभी इनके दोस्त नहीं बन पाए, पर वो जैसे थोड़ी बड़ी हुई और कुछ उनके दोस्त बनने लगे जिनकी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड होती थी, जो लड़कियों को फ्रीली मॉल्स और दूसरी जगह घूमने की परमिशन दिया करते थे, पर उर्फी को शॉर्ट्स पहनने और घूमने की मनाही थी। पर जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही रिबेलियस टाइप की किड थी, वो छुप छुप के मॉल घूमा करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमने जाती थी, और इसी के कारण एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। दरअसल एक दिन उर्फी छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉल घूमने गई थी और मॉल में फोटो लेकर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, पर किसी ने वो पिक्चर एज इट इज पॉर्न साइट पर पोस्ट कर दिया और ये बात उर्फी के फैमिली वालों को पता चल गई। उर्फी के पिता ने उर्फी को बहुत पीटा। उस टाइम पर उर्फी महज 16 साल की ही थी। उर्फी का कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए मुझे मारा जा रहा है, आप लोगों को उसे सजा देनी चाहिए जिसने मेरी पिक्चर पॉर्न साइट पर अपलोड करी है। और उर्फी का कहना सही भी था। इस इंसिडेंट के बाद उर्फी के फैमिली वाले उसे पॉर्न स्टार कहकर चढ़ाते थे, और बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि उर्फी अपनी माँ और अपने भाई बहन को लेकर दिल्ली चली जाती है। और वो घर छोड़कर तो आ जाते हैं, पर उनको लगातार 7 दिनों तक अपने परिवार के साथ रोड पर ही सोना पड़ा था। इसी बीच उर्फी के पिता ने अपनी दूसरी शादी कर ली और बड़ी बेटी होने के कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फी के कंधों पर आ गई। अब उर्फी ने कॉल सेंटर पर जॉब करना शुरू किया, साथ में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। इनकी लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि कई बार इनको सुसाइड का ख्याल आता था, पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ये हमेशा पीछे हट जाया करती थी। उर्फी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उन्होंने हर पॉसिबल काम किया जिससे पैसे कमाए जा सकते थे, पर उर्फी का शुरू से सपना था कि उन्हें एक्टर बनना है, और इसी सपने को लेकर वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई जाएंगी। उर्फी मुंबई आकर वापस से छोटे मोटे जॉब्स करने लगती है और टीवी सीरियल्स में ऑडिशंस पर ऑडिशन देने लगती है। सडनली बहुत सारे ऑडिशंस पर ऑडिशन देने के बाद 2016 में जब उर्फी 19 साल की थी तब उनको उनका पहला ब्रेक मिला। उर्फी को बड़े भैया की दुल्हनिया नाम के सीरियल में रोल मिलता है जहां उन्होंने अवनी पंत का कैरेक्टर प्ले किया था। इस सीरियल के बाद उर्फी की एक्टिंग को काफी अप्रिसिएशन मिला और इसके बाद उन्होंने कई और बड़े सीरियल्स जैसे मेरी दुर्गा, बेपना, कसौटी जिंदगी की 2 में भी काम किया। इन सीरियल्स की वजह से उर्फी ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक कर ली थी, पर अभी तक उनको उनका बड़ा फेम नहीं मिल पाया था जिसकी वो हकदार थी। और फिर आता है अगस्त 2021 जब उर्फी एक बोरी से ड्रेस बनाकर पहनती हैं और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती हैं। उर्फी का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है, लोग इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं, पर उर्फी सोशल मीडिया के ब्राइट साइड पर फोकस करती है। इसके बाद वो एक के बाद एक ऐसे ड्रेस डिजाइन करती है जिसके कारण वो सोशल मीडिया में पॉपुलर रहती है। और फिर आता है 2021 जब उर्फी को बिग बॉस से ऑफर आता है, जहां से निकलने के बाद इनको काफी पॉपुलैरिटी मिलती है। इसके बाद उन्हें स्प्लिट्स विला X4 में भी बुलाया जाता है। आज के डेट में उर्फी की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, जो क्रिटिक्स इनका मजाक उड़ाते हैं वही इनके व्यूअर्स हैं, और अपने उन्हीं व्यूअर्स बेस का फायदा उठा के वो ब्रांड प्रमोशन से अच्छे खासे पैसे चार्ज करती है। वेल आई नो इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें एंड आपको इन सारे वीडियो से भी काफी वैल्यू और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।